हेलो स्टूडेंट्स, आज IAS 2020 का क्वेश्चन नंबर 3B को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर क्या आया गया है, हाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और PPF कॉनकेव क्यू होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला दोनों को जान लेते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF, कर्व और फ्रंटियर में क्या फ़र्क है। अगर मान लीजिए ये कोई ऐसे जगह को दर्शाता है कोई, या फिर इस तरीके से भी दर्शाता है जिसमें एक क्लोज रीजन आ जाता है, दैट बिकम्स अ फ्रंटियर, दैट्स इट, और कुछ फर्क नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, सो वैल्यू ऑफ द OC मीन्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो इस आंसर को जब लिखेंगे तो आपको शुरुआत में थोड़ा बहुत इसके ऊपर एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सो अगर मान लीजिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो वॉचिंग, इस वक्त मान लीजिए आप अगर कुछ काम करते, दूसरा काम जिससे पैसा कमाया जा सकता है, अभी के अभी मान लीजिए आप किसी के लिए एक प्रोजेक्ट लिख दे रहे हैं, स्मॉल एक प्रोजेक्ट लिख दे रहे हैं, और उसके लिए आपको आवरली बेसिस में 300 रुपये मिल रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आप मान लीजिए 10 मिनट तक देखेंगे तो दिस डिवाइडेड बाई वो आवरली, सो ये 6th, तो आपका 50 रुपये हो गया इसको ये देखने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वन गिव्स यू अ बेटर, सो विच इज़ द बेटर ऑल्टरनेटिव। आपको अगर अभी लग रहा है कि ये वीडियो का वैल्यूएशन 50 से ऊपर है, सो ऑब्वियसली दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर यू। ठीक है, तो अभी थोड़ा ये फ्रंटियर को ड्रॉ कर लेते हैं। सो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, इट्स अ मॉडल दैट कैप्चर्स द स्कार्सिटी एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। PPCM से पता चलता है स्कर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द चॉइसेस व्हेन फेस्ड विथ स्कर्सिटी, चॉइसेस ये बेस्ट है व्हेन फेस्ड स्कर्सिटी। ठीक है, सो पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द PPC जो है आर इनएफिशिएंट पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट ऑन द PPC ऑन द PPC अगर ये कहेंगे ये एफिशिएंट पॉइंट है, बियॉन्ड द PPC अनअटेनेबल या उसके सिस्टम के बाहर है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन एफिशिएंट कॉम्बिनेशन टू अनदर एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन टू इज हाउ मच वन गुड कैन बी गिवन अप इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑफ द अदर गुड। सो दिस इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप। शेप ऑफ PPC क्या देता है हमको, इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ओके, सो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो हमें बताता है। सो जैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ये शेप से पता चलता है, इंक्रीजिंग OC। ओके, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास दो कर्व हुआ, सो PPC 1 एंड PPC 2, तो यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए प्रोडक्ट 1 है, यहाँ पर प्रोडक्ट 2 है, सो ऑब्वियसली PPC शोइंग दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आउटवर्ड ग्रोथ हो रहा है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर उसका हुआ, सो ही इज़ गोइंग आउटवर्ड। और अगर मान लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ गुड, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर लिखने की तरह लिखेंगे, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई गिवन अप। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इक्वल टू OC ऑफ एक्स इक्वल टू Y1 माइनस Y2 डिवाइड बाई X1 माइनस X2, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट अब है Y, ये जो कर्व है PPC इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये हमारा पूछा गया है। क्योंकि ध्यान से देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। ओके, सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड बाई वन यूनिट मोर, मोर यूनिट्स ऑफ द अदर गुड हैव टू बी मोर ऑफ द अदर गुड
has to be sacrificed. Since the resource क्यों क्योंकि resources जो है वो limited are not equally efficient and not equally efficient in the production of both goods. That's it. This is the reason.